मेरा मतलब है कंपनी आपको मोबाइल सिर्फ ऑफिस यूज के लिए दे रही है, पर्सनल यूज के लिए नहीं। जी सर, थैंक यू। बाहर गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। जी जी। अरे अरे अरे, कौन हो तुम और इस तरीके से अंदर आके चोरी चोरी क्या देख रही हो उधर उधर? वो मेरा नाम निम्मो और निम्रा है। मुझे ज़ायान सर ने भेजा है रीना मैडम को ये फाइल देने के लिए। ऑफिस में काम करती हूँ। ठीक है, ऊपर जाओ। इस तरफ इनका सीधे हाथ की तरफ कमरा है, और खबरदार जो इधर उधर देखने की कोशिश भी की, सीधा जाना और सीधा वापस आके बाहर जाओ। वो मैडम रीना से फाइल पे साइन करवानी थी, दयान साहब ने भेजा। ठीक है, आप नीचे वेट कीजिए। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये ज़यान साहब ने फाइल भिजवाई है, साइन कर दें प्लीज। ये लीजिए। हाँ बेटा, नदीम बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उमानी जान। वालेकुम सलाम। खैरियत है? सुबह से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं, निम्मो का भी फ़ोन बंद है, ये सब चल क्या रहा है? सब खैरियत तो है ना? बेटा कुछ नहीं चल रहा और मत फिक्र करो, सब ठीक है। समझ में आई बात? मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, आराम करूँगी, ठीक है? खुदा हाफ़िज़। अच्छा मोमन जान, मेरी मोमन जान, जाहिल कहीं का, बहुत फिक्र हो रही है इसको। मोमन जान हेलो। अरे निम्मो से गॉड, क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे? तुम्हें इससे क्या है कि मैं कुछ भी करूं? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। ये पूछने का हक तुम खो चुकी हो, आइंदा मत पूछना। मैं वो हक वापस लेना चाहती हूँ। प्लीज नदीम, तुम थके नहीं हो, लेकिन मैं थक गई हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी थक गई तुम? हाँ, अरे अभी तो मैं शुरू हूँ। अभी तो तुमने देखा ही कहा है मेरा जुनून, मेरा पागलपन। शीबा डार्लिंग। नदीम प्लीज। बस, मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना। और ये जासूसी जासूसी करना तो तुम छोड़ दो, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। माइंड आबान, इज एवरीथिंग ओके? आपको कुछ चाहिए था तो अपनी रोशनी मामा को बता दीजिए। मॉम, वो आबान ना, आबान आपको आपको सॉरी कहने आया है। वो आबान को पता लगा आपकी तबीयत खराब है, तो मैंने कहा मैं सॉरी करके आ जाता हूँ। आई एम ओके बेटा, मैं ठीक हूँ। वो आपको अगर आबान का पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता ना, तो आबान आइंदा के बाद पेंटिंग नहीं करेगा। लेकिन आप उससे नाराज तो ना होना प्लीज। आबान, आपको किसने कहा कि मॉम को आपकी पेंटिंग करना पसंद नहीं है? हमें आपका पेंटिंग करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। तो आप आज ऑफिस क्यों नहीं गई? आबान, मॉम भी कभी कभी थक जाती है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम घर पे रेस्ट करते हैं। बस हमने घर पे रेस्ट कर लिया। अच्छा, तो अब आप ठीक है ना? तो अब आबान वापस जाए अभी? ठीक है, ठीक है। वो आबान अभी जाके सो जाएगा, तो आप भी सो जाइएगा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो फिर आबान हर्ट होगा। आप भी जाइए अपने रूम में। और हाँ, आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपकी मॉम आपसे नाराज हो सकती है, ठीक है? I love you too. ठीक है, आबान अभी सो रहा है जाके, अभी पेंटिंग नहीं करेगा, अभी सोएगा। बाय, गुड नाइट। चले गए थे बेबी, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। अच्छा आप दूध पी लो, फिर हम स्टोरी सुनेंगे। हाँ मामा, आबान ना मॉम के रूम में गया था। मॉम की तबीयत कुछ खराब थी ना, तो आबान ना मॉम को सॉरी कहने गया था। मामा आपको पता है, मॉम को आबान की सारी बातें अच्छी लगती हैं। हाँ। तो बेबी आप मुझे बता देते ना, मैं आपको मॉम के रूम में लेके चली जाती। आपको तो पता है ना कि आप मम्मा की आंखों से 2 सेकंड के लिए भी गायब होते हो ना, मामा की तो जान निकल जाती है। Sorry, Mama. I love you, Mama. You're the best, Mama. अच्छा, अब जल्दी से दूध पी लो। अब आज कौन सी स्टोरी सुनेगा मेरा आबान? सिंड्रेला की स्टोरी सुनेगा। आबान बेबी, सिंड्रेला के पीछे क्यों पड़ गए हो? आज कोई और स्टोरी सुनते हैं, हाँ? जैसे आप कहें। हेलो सर, सब खैरियत है? आपने इस टाइम कॉल की? मिस निम्रा, ऑफिस के बाहर तो आप मुझे ज़यान कह सकती हैं, आई डोंट माइंड। सर कोई काम था जो आप इतनी लेट कॉल कर रहे हैं, वरना मैं आपसे सुबह बात करूंगी। ओ कम ऑन मिस निम्रा, ये कहाँ लिखा है कि एक लड़का एक लड़की को इस टाइम पे कॉल नहीं कर सकता? सर मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं आपसे कल बात करूंगी। क्या जरूरत है सोच होने की? मैंने तो कॉल किया ताकि आपको थोड़ा जाने, अपना हाल दिल आपको सुन। देखिए मिस निम्रा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सीधी सारी लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मैंने आपको बहुत सादा पाया है। सर ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिससे आप... मैं आपसे बाद में बात करूंगी, खुदा हाफिज। मैं इस आदमी का, इसकी इतनी जुर्रत। निम्रा, कब तक मुझसे भागोगी? पुराना खिलाड़ी हो, मेरे जाल में तो आ ही जाओ। हो गया, यहाँ क्यों बैठी हुई हो तुम? यहाँ इस तरह क्यों सो रहे हो? मुझे कह देते, मैं रूम से बाहर चली जाती, लेकिन तुम्हें इस तरह सोता देख के मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा मैं बाहर चला गया और उसके बाद किसकी शामत आती इस घर में? मैं किसी को तंग नहीं करती, मैं बाहर लाउंज में सो जाती, लेकिन तुम्हें इस तरह देख के तकलीफ हो रही है मुझे सच में। ओ प्लीज, बहुत ज्यादा अच्छे बनने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, दिमाग ठीक हो गया? पागलपन खत्म हो गया? क्या हो गया नदीम, मैं कब तक तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त करूंगी? मुझे जिंदगी में कभी कोई खुशी मिलेगी या नहीं, बता दो मुझे प्लीज। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब मैं तुमसे कहता था कि मेरा यकीन कर, मेरा एतबार कर, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने हाथों से सारे रिश्तों का, चाहे वो माँ से औलाद का रिश्ता हो या मियाँ से बीवी का, तब बर्दाश्त करो। नदीम, खुदा मत बनो। खुदा नहीं बनना, ये मजाजी खुदा बनकर तुम्हारा दिमाग जरूर टिका। जहां यहां से सो जा और सोने दिया करो। मैं आज फिर से वही खड़ी हूँ जहाँ मैं कई साल पहले खड़ी हूँ, बिल्कुल तन्हा, अकेली। अय्यूब, अंकल आंटी तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हो, तुम यहाँ खड़े हो। एनी टेंशन, कोई बात है क्या? नहीं, सब ठीक है। तुम बताओ, आज हॉस्पिटल से जल्दी आ गई थी? ओह, मतलब आपको कुछ याद ही नहीं है? क्या याद नहीं है? मिस्टर सड़ू, आज आपकी फ्रेंड का बर्थडे है, गिफ्ट का है मेरा। आई एम रियली वेरी सॉरी। हैप्पी बर्थडे। मुझे वाकई याद नहीं रहा। वो तो दिख रहा है। देखो ना, जब तुम दूर होते थे तो सबसे पहले मुझे विश करते थे, और आज जब तुम इतना करीब हो और तुम्हें याद भी नहीं है। कसम से नादिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे वाकई याद नहीं रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम बाहर चलते हैं, एक अच्छा सा केक बनवाते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट भी दिलवाऊँ। चलो। नहीं अय्यूब, इन सब फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे दिल से विश कर देते तो मेरे लिए यही सब काफ़ी होता। एनीवेज, आंटी तुम्हारा पूछ रही हैं, उनसे मिल लो जाके, शायद कोई काम होगा। नादिया, नादिया मेरी बात। निम्मो, एक बात करनी थी तुमसे। अय्यूब के बारे में तुमने क्या फैसला किया? कैसा फैसला? वो मुझे मुस्तकिल कॉल्स कर रहा है, चाहता है कि मैं तुम्हें समझाऊं। वो तुमसे शादी करना चाहता है। निम्मो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जीने के लिए सहारा मिल जाएगा। मैडम, अगर अब उसकी कॉल आए ना तो उसे साफ साफ मना कर दीजिएगा। नफरत हो गई है मुझे शादी के नाम से भी। अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अच्छा, रो तो मत, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम खुद करोगी, लेकिन कमजोर बनकर नहीं, मजबूत बनकर। डोंट वरी, मैं अय्यूब को बता दूंगी, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया मैडम। अब मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, मैं जाऊं? हाँ जाओ, अपना ख्याल रखना। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया बता रही थी कि कुछ बात करनी थी आप लोगों को। खैरियत? खैरियत मतलब? मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या बगैर मकसद के या बगैर किसी काम के मैं तुम्हें नहीं बुला सकती? क्या मेरा हक नहीं है तुम पे? क्या बात कर रही हो? मेरी जिंदगी पर सबसे पहला हक आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। अपने साहबजादे से आप बात करेंगे या फिर मैं खुद बात करूं? अरे आरिफा बेगम, दिल की बात जुबान पर लाने में देर कैसी? बेटा है आपका, आप खुद बात कर लो। क्या बात है, आप लोग इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? जो बात करनी है करें। देखो बेटा, हम लोग ये चाहते हैं कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में हम तुम्हारी शादी नादिया से कर दें, और प्लीज इनकार मत करना। अम्मी क्या हो गया आपको? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं कितनी बार कह चुका हूं कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ निम्मो से करूंगा। खबरदार, खबरदार जो उस निम्मो मनहूस का नाम लिया इस घर में। आरिफा आराम से धीरे से बात करो, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अरे ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, एक औलाद और वो भी नाफरमान। अम्मी आप कुछ भी कह रहे हो, मुझे मेरी नाफरमानी की कोई भी सजा दे, लेकिन मैं निम्मो के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। निम्मो के अलावा किसी और लड़की के साथ शादी करना मैं गुनाह समझता हूँ। निम्मो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, उसकी मोहब्बत खून की तरह मेरे जिस्म में रच बस गई है। बस बहुत हो गया। देखो बेटा, मैं जोर जबरदस्ती और सख्ती का कायल नहीं हूं। हमेशा फ्रीडम पर यकीन किया और उसे साथ लेके चला, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तुम्हारी मां चाहती है। अब वो आप कुछ भी कर ले, चाहे मुझे जान से मार ले, मेरे जिस्म का एक एक कतरा नहीं छोड़े, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नहीं। अभी मुझे माफ कर दे, ये मेरे बस में नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं नादिया से शादी जरूर करता, लेकिन निम्मो के बगैर मैं मर जाऊंगा। पागल हो गए हो तुम। जिस परछाई के पीछे तुम भाग रहे हो ना, उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। मैं निम्मो तक पहुंच चुका हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? डाइवोर्स हो चुकी है उसे, और अब वो किसी एनजीओ के शेल्टर होम में रहती है। मैंने उसे कहा है कि मुझसे शादी कर ले। क्या? अब एक तलाक याफ्ता लड़की इस घर में आएगी? अम्मी अगर निम्मो को तलाक हुई है तो उसमें निम्मो की कोई गलती नहीं है। हाँ भाई, ये सारा किया तारा तुम्हारा ही तो है। चलो मुबारक हो, तुम्हारी दिन रात की कोशिशें रंग तो लाई। बड़े बेगैरत हो तुम। अब वो आप कुछ भी कह ले, लेकिन प्लीज अम्मी को समझा दो कि आज के बाद मेरी शादी का जिक्र ना करें। क्या कह गया? इस लड़की निम्रा को हमने कहीं और भी देखा है, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। आलम साहब, आबान कहाँ है? मैडम वो रोशनी मैडम आबान बाबा को लेके हॉस्पिटल गई हैं, आज उनका अपॉइंटमेंट था। वैसे मैडम सब खैरियत तो है? आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई? जी मुझे कुछ काम था, आप जा सकते हैं। जी मैडम। पेंटिंग मैंने इसी कमरे में तो देखी थी, कहाँ गई? यहाँ और ये सब पेंटिंग्स, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। नहीं रोशनी, वो हम जरा रूम की हालत देखने आए थे, हमने सोचा थोड़ी सफाई। भाभी आप और सफाई, सब ठीक है ना? मॉम ये क्या की है? अबान की सारी पेंटिंग्स फेंक दी। आपने तो कहा था अबान की पेंटिंग्स आपको अच्छी लगती हैं। झूठी, आप झूठ बोलती हैं। अबान की कोई पेंटिंग आपको अच्छी नहीं लगती। अबान बेटा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम तो सिर्फ आपका रूम साफ करवाने आए थे। हमसे गलती हो गई। देखो मामा, आप तो पेंटिंग्स उठाती हो। तुम आप स्कूल जाओ ना, स्कूल जाओ। रोशनी आप हमसे जरा हमारे रूम में आके मिलिए, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। आई एम सॉरी अबान। मॉम बहुत गंदी है, ऐसे करते पेंटिंग के साथ। झूठ बोलती नहीं सारी जिंदगी। अबान की पेंटिंग पसंद है, ये फेंक के चली गई सारी पेंटिंग। ये मॉम होती है, झूठ बोलती नहीं मेरे साथ। देखा अबान, मैंने कहा था ना आपकी मॉम को आपका पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता। अब आपने अपनी मॉम को तो खुद रंगे हाथों पकड़ लिया। गंदी है मॉम, बहुत गंदी है पेंटिंग। मैं उठाती हूँ, मैं मॉम से कभी बात नहीं करेगा। बॉम गंदी है, कभी बात नहीं करूँगा। बहुत झूठी मॉम, मैं कभी बात नहीं। खैरियत तो है? आप ऑफिस से भी जल्दी आ गई और यूसरा अबान के कमरे में कोई टेंशन है क्या? रोशनी, हमें तुमसे अबान के सिलसिले में बात करनी है। जी जी भाभी बोलिए, क्या बात है? अबान ने कुछ दिन पहले एक पेंटिंग बनाई थी किसी लड़की की। अरे भाभी, अबान तो बहुत सी पेंटिंग्स बनाते हैं, इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात हो गई? वो लड़की हमारे ऑफिस में जॉब करती है। मैं उस वक्त से मेंटली डिस्टर्ब हूँ जब से मैंने उसे देखा है। अरे भाभी, इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, आपको ज्यादा ही सोच रही है। अबान तो हर वक्त मेरे साथ होते हैं। आखिर अबान को वो लड़की कहाँ मिली? अबान उसके चेहरे को कैसे जानता है जबकि वो कभी ऑफिस गया भी नहीं? कोई लड़की अगर उसको मिली होती तो डेफिनेटली मुझे पता होता। ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। आपसे कभी जिक्र किया है अबान ने? कभी कुछ बताया है? भाभी फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं अबान से बात करती हूँ। अगर कोई बात होगी ना तो अबान जरूर मुझे बताएंगे। नहीं, हम नहीं मानते रोशनी। और वो पेंटिंग अबान के रूम में भी नहीं है। हम वही पेंटिंग देखने अबान के रूम में गए थे लेकिन वो हमें नहीं मिली। कहाँ गई वो? भाभी फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं अबान से बात करती हूँ। अगर कोई बात होगी ना तो अबान जरूर मुझे बताएंगे। नहीं नहीं रोशनी, आप अभी कोई बात नहीं कीजिए। हम अपने तौर पर पहले मालूम करना चाहते हैं। भाभी आप क्या करेंगी? हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी आप अबान के रूम में जाइए। वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। भाभी फिक्र नहीं करें, मैं जाती हूँ और उसको बताती हूँ। आप प्लीज आराम कीजिए। रोशनी जी भाभी, आप प्लीज आबान को बताती रहा करें कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप फिक्र नहीं करें, तो दिन रात आबान के सामने आपकी तारीफें करती रहती हूँ। थैंक यू रोशनी। अरे वाह, मेरी प्रिंसेस क्या कर रही है? मम्मा आप? जी जानी। मिनाल मेरी जान, आप अभी तक मम्मा से नाराज हो? नो मामा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? फरीदा, फरीदा। जी बीबी जी। मेरे और मेरी मिनाल के लिए चॉकलेट शेक बना के लेके आओ। मेरी मिनाल का फेवरेट है ना। जी अभी लाइए। आपकी मामा खेलें आपके साथ? मामा, आपको गेम खेलना आती है? यस, आपकी मामा चैंपियन है। मैं तो आपको 1 मिनट में आउट कर दूंगी। ओके, लेट्स प्ले। मैं जो कुछ भी किया है सिर्फ मोहब्बत के लिए किया है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं और करता रहूंगा। निमो, कोई खातून मिलने आई है तुमसे। खातून मुझसे मिलने आई है? हाँ, नाम तो नहीं पूछा, लेकिन तुम जाके मिल लो उनसे। मैं आ रही हूँ। ओके। ममानी अस्सलाम वालेकुम। ओ निम्मो, बड़ा जिक्र सुना है तुम्हारा। बड़े ही मशहूर किस्से हैं तुम्हारे। जी आप कौन? कोई काम था मुझसे? मैं कौन हूँ ये सवाल मायने नहीं रखता। तुम कौन हो अयूब, की ये सवाल है मेरा तुमसे। बोलो क्या लगता है अयूब तुम्हारा? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अयूब और मैं? अयूब और तुम्हारा क्या? देखो निम्मो, अयूब की जिंदगी से चली जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वरना तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं अयूब को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। मेरा ना अयूब से कोई ताल्लुक है और ना कभी रहा है। ताल्लुक वो तुमसे बनाना चाहता है। कितनी बेशर्म हो तुम। अपने शौहर को छोड़ के किसी दूसरे मर्द की जिंदगी बर्बाद करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अयूब सिर्फ मेरा है, माइंड इट। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे अयूब को हासिल करने की कोई जस्तजू नहीं है। आप किसी गलत फहमी में आई हैं यहाँ। आप अब जा सकती हैं। कहाँ चली मिस निम्मो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या बात, कुछ कहना बाकी रह गया? यस, तो मेरी बात सुनो। तुम अयूब से मिलकर ये कहोगे कि तुम उससे कभी शादी नहीं करोगी, बल्कि तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती? छोड़ क्यों नहीं देती अयूब को? छोड़ दो मेरा अयूब का पीछा। मुझे आपकी और अयूब की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना उससे पहले कभी कोई ताल्लुक रहा है और ना कभी होगा। मैं उसे शादी के लिए पहले ही मना कर चुकी हूँ। अयूब को अपना दीवाना बना के अब उसे अपने पीछे भगा रही हो, और वो पागल आदमी उसे तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओ हेलो, मैं फिर आऊंगी और आती रहूंगी, और जब तक मुझे मेरा अयूब नहीं मिल जाता ना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। जादू करनी। फरीदा मिनाल कहाँ है? बीबी जी और मिनाल बाहर गई हैं साहब जी। क्या शिबा मिनाल को लेके कहीं बाहर गई है? कहाँ गई है तुम? और तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? और कैसे जाने दिया उसको? वो साहब जी परेशान ना हो, बीबी जी ने कहा करीब में आइसक्रीम खाने जा रहे। अरे ऐसे कैसे आइसक्रीम खिलाने ले गई फरीदा? मिनाल इधर आओ। तुमसे कहा था ना कि मिनाल से दूर रहना। फरीदा आज के बाद मिनाल शीबा के साथ कहीं नहीं जाएगी। बाबा मम्मा को मत डांटते हैं। बेटा आप अपने कमरे में जाइए, फरीदा लेके जाओ। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही। नदीम, मम्मा, नदीम, नदीम छोड़ो मुझे। मुंह से कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती। ऐसा क्या कर दिया मैंने नदीम? मिनाल सिर्फ आइसक्रीम खाना चाहती थी। तुम हक खो बैठी हो मिनाल के साथ उठने बैठने का। खो दिया है तुमने वो हक। तुम्हें समझा चुका हूं ना एक दफा, तुम्हें बात समझ नहीं आती। प्लीज नदीम, अपने पागलपन में बच्ची को बीच में मत लाओ। और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए तुमसे, मिनाल से माफी तो मांग ली है मैंने। मिनाल ने मुझे माफ भी कर दिया, लेकिन तुम पत्थर के बन चुके हो। तुम्हें मेरे आंसू, मेरी तकलीफ कुछ दिखाई नहीं देता। एक पत्थर जैसी औरत के साथ रहते हुए मैं पत्थर दिल हो गया हूं। अरे उस वक्त तुम्हें आंसू और तकलीफ नहीं दिखाई दिए थे मेरी बच्ची के, जब तुमने उसे अपने पागलपन का निशाना बनाया था? हाँ, नहीं दिखाई दिए थे? जब तुम बेहस हो सकती हो तो मैं पत्थर का क्यों नहीं हो सकता? प्लीज मुझे मेरा वो नदीम वापस लौटा दो जो मेरी खुशी में खुश हो जाता था, मेरे दर्द में तड़प उठता था। तुमने मारा है उस नदीम को, तुमने अपने हाथों से मार दिया है उस नदीम को। समझ में आई? अरे मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे दर्द को अपना दर्द बना बैठा। बेवकूफ था मैं। नदीम, तुम जैसा चाहते हो अब मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मुझे सिर्फ एक मौका तो देके देखो प्लीज। हाँ, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूं। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना मिनाल के इर्द गिर्द नजर भी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। नदीम, नदीम पी, ऐसे कैसे? कुछ सही नहीं हो रहा। आपने आने की तकलीफ क्यों की? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं तायरा, काम हमारा था तो आना भी हमें ही चाहिए था। तो बताइए मैम, क्या काम था? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे खुशी होगी। तायरा, असल में हम निम्रा के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते थे।